मैं अभी इसी शेक है। और गाइस देखो मेरे को टाइम नहीं मिलता गाइस, कहते भगवान जी खा लो लड्डू। क्या हुआ बीबी, खा लो। क्या हुआ बीबी, मम्मा से खानी है? अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, गंदा है। नहीं बेटा ये तो बहुत अच्छी है, सुबह सुबह मॉर्निंग में पापा लेके आए, सुबह 9 बजे हैं पापा उठते, आपके उठते लेके आए हैं। और बालों को डालो क्या वो बनी हुई है? अच्छी नहीं है तो वो लेके आते देवानंद बने हुए हैं। अच्छी नहीं है ये, आए क्या लग गया इसके, दिखाओ मुझे, दिखाओ क्या लग गया। ओ हो गंदी है भाई, आए अरे कट्टे, अरे क्या करी इसका, क्या जम्स है इसके अंदर बहुत सारे। बोल क्या, पेट में जम्स हो जाते हैं इससे, हाउ भी हो जाते हैं। हाँ। फिर क्यों क्यों लेके आए गिन्नी के, तुम क्यों लेके आए? नहीं लेके आएंगे अब, नहीं दिखाएगा ना गिन्नू, ये गिन्नू नहीं खाएगा ना। नहीं थोड़ा गिन्नी फिर से टेस्ट कराओ, गिन्नी देखो वो ठीक लग रही है बेटा, वो टेस्ट कर देना। अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी गिन्नू को। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज का मेरा न्यू व्लॉग आ गया, बने रहे मेरे व्लॉग में। और गाइस लास्ट व्लॉग में गिन्नी के लिए इसके पापा रात को 10 बजे आइसक्रीम लेके आए, और एक मेरे लिए लेके आए थे, दो लेके आए थे। तो मैंने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी, इसका कुछ नहीं पता, रात को फिर से मांग लेने जाए। तो मैंने मेरी वाली आइसक्रीम रखवा दी और इसको इसको खिला दी थी। रात को 2 बजे तक नहीं सोई, करी आइसक्रीम खानी मैंने फिर से आइसक्रीम। इसके बाद फिर रात को 4 बजे फिर बोला मेरे को आइसक्रीम खानी है। इसको इतना इतना ज्यादा एक चीज के पीछे पड़ जाती है ना, तो फिर पड़ी जाती है। और फिर है ना क्या बोलते हैं, 4 बजे आइसक्रीम कहाँ से लेके आए, सुबह उठते बोली फिर से आइसक्रीम खानी है। उसके पापा लेके आए हैं, हमने क्या किया उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिला दिया इस वजह से, ताकि खाना छोड़ दिया। अरे पता है एक चीज के पीछे पड़ जाती है फिर पड़ी जाती है, रात को सोती भी नहीं उसकी, रात को भी ऐसे नींदों में वो आइसक्रीम आइसक्रीम ऐसे बोलती है, बताओ। फिर आते हमने थोड़ा सा नमक मिला दिया ताकि ये खाए ना, ये छोड़ दिया आइसक्रीम खाना, क्योंकि हमने चॉकलेट भी ऐसे ही छोड़वाई है गिन्नी की देखो। बट अब इसने नहीं खाई, पर थोड़ी देर बाद पता नहीं जिद करती है क्या करती है, आज पूरे दिन आज कल में ही पता लगे छोड़ी या नहीं छोड़ी इसने। अब नाराज होके देखना मेरे पास ऐसे लेटी हुई है। बेडशीट वगैरह चीजें करती है, अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। फिर गाइस हमारे काम वाले का कोई टाइम नहीं आने का, कोई भी टाइम कभी, फिर शाम को लेट हो जाता है, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग के झाड़ू लगा देती हूँ। और सबसे बड़ी बात यार, मैं रात के बर्तन करके सोती हूँ, क्योंकि ना मुझे पता सा कोई टाइम नहीं है नहीं, तो सुबह तक इतने सारे ढेर बर्तनों का हो जाता है, तो मैं अपने रात के बर्तन करके सोती हूँ। सच में यार काम वाली लगाने के बाद काम वाले का कोई सुख नहीं है। ऐसे में गाइस हमें काम वालों से डरना पड़ता है, ऐसे पूछना पड़ता है, अच्छा आप प्लीज़ ये वाला काम कर दोगे, प्लीज़ ये वाला कर दोगे। ऐसा क्यों भाई, पैसे दे रहे हैं फिर भी ऐसे, मेरे को तो ये इसका टाइमिंग बिल्कुल समझ में नहीं आता। पर भाई मैं कुछ कर भी नहीं सकती, सही बात है, जहाँ जो मुझसे होता है तो वही कर भी सकती हूँ। लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि फिर और भी काम करने, खाने वाने का भी करना मुझे। मुझे ऐसे लगता है सब अपने काम वाले से सभी परेशान हो गए, काम की कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा सा लेट हो जाए कोई, पर इतना लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आपको देखो टाइमिंग है कोई आने का 5 बजे 6 बजे, चाहे कितना भी अच्छा काम करे, पर वो टाइम थोड़ी होता काम करने का। अब भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कुछ कह भी नहीं सकती उसको, वो स्टार्टिंग से वही लगा रखी है हमारे घर में 6-7 साल से, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, कुछ कह भी नहीं सकती। चलो जो मेरे बस में है वो तो मैं कर ही लेती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। और ये जैसे कि मैं लास्ट वीक में ज़्यादा 9.5 है पानी, ये मैं आँख अपनी आँखों में दीदी 4 से 5 बार ताकि मैं चश्मा उतर जाए, फेस में हमें निशान के लिए दिखाएगा दीदी ने, मैं कम से कम 4 से 5 बार आपको फेस में, दो दिन में मैं बोटल खाली कर देती हूँ। जब मैंने फाइनल गाइस निशान के लिए जरूर दिखाऊंगा कितने दिन के लिए। मेरा सबसे फेवरेट भजन है खाना के बारे में जाओगे टीवी में, फोन किया है गिनी, कौन सा भजन सुनेगा बेबी, कौन सा गाओ, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगे मैं, ग्वालन बन जाऊं,
चराने जाऊं। गाइस आज का हमारा सब्जी का मेन्यू है घिया के कोफ्ते। सबसे पहले मैं घिया को छील लूंगी अच्छे से, फिर इसके बाद इसको अच्छे से मैं वॉश कर लूंगी। वॉश करने के बाद इसको कद्दूकस कर लूंगा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। और ये मेरी सारे घिया कद्दूकस हो गए। इसके बाद मैं इसको एक बाउल में, बड़े सारे बाउल में ले लूँगा। उसके बाद मैं ऐड करूँगी बेसन के 5-6 चम्मच। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद फिर इसके अंदर ऐड करूँगा मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गर्म मसाला, धनिया पाउडर, सब कुछ ऐड कर दिया मैंने। और इसके बाद ये मेरा बटर तैयार हो गया। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ क्योंकि इनमें सुबह से कुछ नहीं खाया, उसके लिए कुछ बना लेती हूँ। और गिनने के लिए मैंने कुछ बनाया है नाश्ते में, अब मैं इसको खिलाऊँगी। तो काफ़ी वेट कर रही है, भूख लगी है। खुश होगी मम्मा कुछ लेके आई है, देखिए मैं नकली मजाक कर रही हूँ। आप आ सकते हो। काले रंग पे मोरनी रुदन रे, लंबे केस पाके लंबे। कृष्ण भगवान जी के भजन सुनती है तो उसमें ना कृष्ण भगवान जी के जो तिलक होते हैं, कह रहे मम्मी मुझे भी ऐसे लगाना, तो मेरे घर पे तिल चंदन रखा था तो मैंने ये कटोरे में गोड़ लिया और इस जूड़ा पिन से गिन्नी को मैं आज चंदन तिलक लगाऊंगी। बच्चों के साथ ना 10 मिनट का काम 2 घंटे में होता है। अभी तक मेरा मैंने ऑयल रख दिया है, इसमें बनाऊंगी मैं कोफ्ते। कोफ्ते का दम बेटर है, वरना ये फिर 10 मिनट में बन जाता। फिर पहले गिन्नी को खाना खिलाया, फिर उसके साथ थोड़ा डांस किया, फिर बोले मुझे जो भजन चल रहा था कृष्ण भगवान जी, उसमें तिलक लगा रखा था। और रोज ही बोलते मेरे को तिलक लगा दो, तिलक लगा दो, मैं बोलते नहीं आज निकल, आज निकल। फिर आज मैंने सोचा लगाए थे, बहुत जिद करी थी, फिर उसको तिलक लगाया, अब खाना बनाऊंगी इस तरह। सच में यार बच्चों के साथ 10 मिनट का काम है 2 घंटे लग जाते हैं। देखेंगे लड्डू भगवान जी को, चलो लड्डू बो दो, लड्डू भैया दो, आराम से भगवान जी खा लो, लड्डू जी खा लो। बस डांस कर। थैंक यू बेबी, वेलकम बेबी। भगत जी लग रहे हो, भगत जी कान्हा जी के असली वाले भगत जी लग रहे हो आज आप तिलक लगा के, है ना? हाँ वेलकम। नाचो बेटा, अभी मैं काम करूंगा, अभी नाचो। अच्छा चलो चलो जब तक गिन्नी डांस करने में बिजी है, मैं जल्दी जल्दी अपने कोफ्ते बना लेती हूँ कढ़ाई में फटाफट से, छोटे छोटे हाथ से बना रही हूँ मैं। वैसे चम्मच से बनाती हूँ ज़्यादातर, पर हाथ से भी अच्छे बने हैं। और ये मेरे बस जल्दी से बन गए हैं। तो गर्म पानी क्योंकि इसको देनी है दवाई। अभी मेरे कोफ्ते बन गए, अभी सब्जी बनाने मेरी अभी बाकी है। कितने काम हो जाते हैं बीच बीच में। देखो गाइस अभी तक मेरी सब्जी नहीं बनी है, मेरे को 2.5 घंटे हो गए लगे, वो 2 तो हो ही गए कम से कम, देख लो। क्योंकि गिन बच्चों के साथ ऐसे होते हैं, मैं बता रही हूँ 2 घंटे वाला, 10 मिनट वाला कम 2 घंटे होता है। कभी
बीजो कुछ मांगने लग जाते, कभी कुछ मांगने लग जाते, कभी उसके दवाई का टाइम हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, कोई भी बीजो रोने लग जाते, फिर कहते मम्मा पा जाना, फिर उसको चुप करवा के आना पड़ता है, बहुत काम हो जाते हैं। दवाई का टाइम हो उसको दवाई दे देती हूँ, सही गिन्नी को दवाई दे के आई हूँ, 15 मिनट दवाई देने लगी, फिर रोने लगी, उसको चुप करवाया और बना लूँ खाना यार, भूख लेट हो गया। पूरे घर का काम एक तरफ और बच्चों को संभालना एक तरफ, सच में डबल काम हो जाता है। लो लिया, इसमें जाना है जीरा लहसुन, फिर प्याज, फिर इसमें टमाटर, और फिर इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च हल्दी जो जो हम यूज़ करते हैं मसाले, इनको सब अच्छे से पका लूँगी, और इसके बाद थोड़ी सी हींग भी डाल दूँगी। सोप तैयार हो तब तक मैं क्या कर लेती हूँ, एक चम्मच चीनी ले लेती हूँ, और ये मैंने छोप के लिए जो टमाटर यूज़ किए थे काट के, तो टमाटर काटने वाला पोर्शन कट करते हैं, उसको इसमें ऐसे डिप करके ऐसे, और फेस पे कर लेते स्क्रब, बहुत अच्छा स्क्रब होता है। तो मेरा छोप तैयार है, साइड में चल लेती हूँ, साइड में और इस स्क्रब को हम ना लिप्स पे भी कर सकते हैं अपने, ऐसे ऐसे लिप्स पिंक होते हैं। ये अच्छे से भून गई है, देखो अच्छे से भून चुकी है ग्रेवी, इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी, अपना 2 से 3 गिलास के आसपास, थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं कोफ्ते हो गया करी, अब इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दूँगी कोफ्ते मैंने, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है, बस लास्ट में थोड़ा हरा धनिया ऐड कर दूँगी इसके अंदर मैं, अभी थोड़े से और नरम होएंगे क्योंकि अभी टाइट ना भी डालेंगे, ये पानी ऑब्जर्व कर लेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। गाइस जब भी गिनी आइसक्रीम मांग रहे हैं हमने इसके अंदर क्या करके नमक मिला रखा है, इसको ये दे देते हैं और ऐसे खा के कहते हैं अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं मुझे नहीं खाना, हम इसकी आइसक्रीम छुड़वाना चाह रहे हैं। बच्चा चल दिन में एक खा ले दो खा ले, तो इसको तो रात को 10 बजे चाहिए, 2 बजे चाहिए, सुबह 4 बजे चाहिए, 6 बजे, पूरे दिन कुछ नहीं खाती, आइसक्रीम पीछे पड़ी है, आइसक्रीम आइसक्रीम, कुछ और खा लेना फिर तो बच्चे, चल बच्चे को दे भी दो, चल कोई बात नहीं, बच्चे ने दिन में एक खा ली, 2 खा ली, 3 खा ली, नहीं इसको दिन में कम से कम 10-15 आइसक्रीम चाहिए खाने के लिए, बताओ इसलिए हम छुड़वा रहे हैं इसकी, एक इसको ये नहीं खा ली चल मान लो, नहीं फिर तो लगातार खाएगी, और लाओ और लाओ और लाओ, और आइसक्रीम के पीछे बढ़ जाते और कुछ नहीं खाते फिर भी। और गाइस देखो मेरे कोफ्ते बन के हो गए रेडी, कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छे बने हैं, अभी मैंने मंदी मंदी गैस पे चला रखे हैं, थोड़ा सा और सॉफ्ट जाएंगे तो और अच्छा लगेगा, लग रहे ना अच्छे। वैसे अच्छे संदीप को अच्छे लगते हैं, घी कोफ्ते काफ़ी पसंद है, पर बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं खा लेती हूँ पर मुझे पसंद नहीं है, वैसे मैं बाद में मैं सब कुछ खा लेती हूँ, पर इतने मतलब खाती हूँ अच्छे लगते हैं, पर इतने एक होते ना पसंद वाले, इतने पसंद नहीं मुझे कोफ्ते। और मैंने लिया है आज बालों पे यूज़ करने के लिए एक एग, और इसके अंदर मैं मैश करके डाल दूँगा एक बनाना, दोनों को अच्छे से वो मिक्स कर लूँगी, इनका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी अच्छे से, और गाइस बनाना और एक अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया इस तरह से, और अब मैं इसको अप्लाई करूँगा अपने बालों पर इस तरह से, जैसे कि मैं हर ब्लॉग में दिखा रहा हूँ मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो गए, इनकी केयर करनी पड़ेगी, तो अच्छे से मैं अपने जड़ों में लगा लूँगी, जो ये अंडे का और मैंने बनाना का बैटर ये बनाया है पेस्ट बनाया है, इसको अच्छे से इस तरह से अपने जड़ों में लगा लूँगी लेके। मेरी सारी बहनों के इतने अच्छे बाल हैं, मेरे नहीं अभी, बस मेरे गंदे से बाल हैं, तो मैं अभी बालों को केयर करती अपने बालों को मैं कर नहीं पा करती नहीं, इस वजह से 15-20 मिनट के बाद ये सूख जाएंगे, इसके बाद मैं वॉश करूँगी, और जैसे कि मैंने और कईयों को एग लगाने के बाद बालों में ना महक आती है, तो इसके लिए मैं एक थोड़े से इसमें मग्गे में लूँगी थोड़ा सा निवाया पानी, और इसके अंदर ना मैंने 3-4 बूंद डाली, ये नींबू ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ मैं पहले ही, और इसको थोड़ी 3-4 बूंद डालूँगी ताकि बालों में से एग की बदबू बिल्कुल जल जाए, बिल्कुल मैं अपने बालों को अच्छे से वॉश करके इसके बाद लास्ट में सबसे ये यूज़ करूँगी इस पानी। गाइस आज का व्लॉग इतना ही, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।